हमने जिक्र महात्मा गांधी का भी किया, 1947 की याद भी दिलाई। एक हिंदुस्तान की पहली फिल्म जो ऑस्कर के लिए चली गई थी, वो पहली फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया थी। मदर इंडिया में एक चरित्र था सुखी लाला, साहूकारी करता था वो। 1957 यानी 1957 की फिल्म और आज हम खड़े हैं 2018 में, बदला क्या? इन दोनों स्थितियों के बीच खड़े होकर जरा इस रिपोर्ट को देखिए। वी कांट गेट अवर पेमेंट, देन वी आर अनेबल टू पे आवर फीस इन आवर यूनिवर्सिटी। तो सच अनूठा है। खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों के बीच 11 बरस पहले तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यवतमाल पहुंचे थे। 29 विधवा महिलाओं से मिले जिनके पति किसान थे, कर्ज की जकड़न तले खुदकुशी कर चुके थे। कर्ज के बोझ से दबे अपने किसान भाइयों को राहत देने के लिए हमने लगभग 71,000 करोड़ रुपए का बैंकों से लिया गया कर्जा माफ किया है। मनमोहन सिंह ने तब किसानों की कर्ज माफी के एक बड़े पैकेज का ऐलान भी किया, पर ना तो कर्ज का फंदा थमा, ना ही फिल्मी सुखी लाला सरीखे साहूकार खत्म। आलम यह है कि आज भी किसान सबसे ज्यादा कर्ज साहूकार से ही लेता है। कुल कर्ज का 28.1% कर्ज, जबकि सिर्फ 25.1% कर्ज व्यावसायिक बैंकों से लिया जाता है और तकरीबन 24% कर्ज कोऑपरेटिव बैंकों से। यानी 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते वक्त इंदिरा गांधी ने यही कहा, बैंक अब गरीब के दरवाजे पहुंच जाएगा, गरीब किसान साहूकार के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। और 45 बरस बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन का ऐलान किया और कहा अब गरीब भी बैंक जाएगा। पर तब से लेकर अब तक किसी ने नहीं सोचा बैंक कहीं नए साहूकार तो नहीं हो गए, क्योंकि कभी बैंक कर्ज चुकाने के लिए किसानों के नाम वांटेड की तरह बैंकों के दरवाजे पर टांग दिए जाते हैं और कभी बैंक इतना दबाव बनाते हैं कि किसान खुदकुशी कर ले। मसलन कल ही रायसेन के किसान दिलीप सिंह ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली। वजह, कुछ कर्ज साहूकारों से लिया और 2 लाख का कर्ज बैंक से लिया, जिसे फसल खराब होने की वजह से दिलीप सिंह चुका नहीं रहा था। 4 बरस पहले ट्रैक्टर लिया था, 2 महीने से किस्त नहीं जा रही थी तो ट्रैक्टर फाइनेंस कंपनी भी परेशान कर रही थी। बेटी की शादी सिर पर थी, सोसाइटी में गेहूं बेचने से कुछ पैसा मिला लेकिन बैंक ने सिर्फ 20,000 दिए और बाकी रकम पुराने कर्ज की किस्त के रूप में काट ली। अब कर्ज पानी की वजह है उसकी, किसी तोली निकली फसल तो सोसाइटी में खाद पानी के कर्ज में कट गई, 20,000 कुल वापस आए थे। 20,000 में बच्ची की शादी करी सम्मेलन से, वही नहीं हुई पूरी। तो किसान की फिक्र है किसे? ऐसे में आज फिर किसान गांव बंद आंदोलन के जरिए सरकार को चेताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके पास सिवाय सरकार को चिताते रहने के अलावे कोई विकल्प ही नहीं और साहूकार सुखी लाला सरीखा जिंदा है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।